अदावत को भले आप साइड में रख दें, लेकिन हम सब में थोड़ी थोड़ी सी अदाकारी तो जरूर होती है। किसी भी तरह हो, जैसे हम सारे लोग थोड़े थोड़े सिंगर होते हैं, कुछ ना कुछ चुपचाप गाते रहते, वैसे थोड़ा बहुत अदाकारी हम में होती है। कुछ लोगों में उस अदाकारी का कीड़ा जरा ज्यादा होता है, सीरियस किस्म का कीड़ा होता है। अगर ऐसा कोई कीड़ा होता है किसी में, जिसको हम कहते हैं कि अगर उसके अंदर कोई टैलेंट का स्पार्क है, तो यूफोरिया एंटरटेनमेंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको पॉलिश करके निखार के कला मंच के लिए तैयार करता है। थोड़ा सा मैं यूफोरिया एंटरटेनमेंट के बारे में बता दूं, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारी उम्र बहुत कम है। 2017 में यूफोरिया एंटरटेनमेंट शुरू हुआ था और थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए तीन कमाल के कलाकार हैं जिन्होंने इसको शुरू किया था, स्वास्तिका गांगुली, अनिर्बान दत्ता और विक्रम बैनर्जी। और इन तीनों की कोशिश थी कि इस तरह की आर्ट न्यूजीलैंड में जिंदा रहे, क्योंकि हम बाहर जब होते हैं तो हमको अपनी भाषा, अपना साहित्य, अपना कल्चर सब कुछ ज़्यादा याद आता है और हमारे अंदर उसको बचाने की, उसको जीने की तलब भी ज़्यादा गहरी होती है। तो इन कलाकारों ने यूफोरिया एंटरटेनमेंट की स्थापना की और यूफोरिया ने अभी तक जो प्लेस दिए हैं वो 5 भाषाओं में है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली एंड अंग्रेजी। और इसके साथ अब हमारी ये भी कोशिश है कि हम भारत के दूसरे प्रांतों की भाषाओं में भी कुछ अच्छे प्लेज आपके लिए लेके आए, और आप सबका साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो ये जरूर होगा। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 मिनट जरा हाउसकीपिंग रूल्स बता दूं। फायर एग्जिट आपके दोनों राइट साइड में है, दोनों साइड नहीं है, नहीं उस साइड है। भूकंप की स्थिति अगर आती है तो पीछे आपको पहुंचना है। मोबाइल फोन प्लीज बंद कर दीजिए और फ्लैश फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और हॉल के अंदर खाना पीना भी मना है। आज की हमारी शाम में एक बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई माननीय कमलजीत सिंह बख्शी जी यहाँ मौजूद हैं। वो मेरे उम्र में थोड़े से बड़े भाई हैं, लेकिन वैसे मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनको असरदार सरदार कहा करती हूँ। पिछले 12 सालों से वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा चेहरा बने हुए हैं और उनको किसी बहुत बड़े परिचय की जरूरत नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय कमलजीत सिंह बख्शी जी से कि वो कृपया मंच पर आए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी यूफोरिया एंटरटेनमेंट की फाउंडर स्वास्तिका गांगुली से कि वो मंच पर आए और कमलजीत जी का स्वागत करें। हाँ, वो शायद फोटो ले रहे थे तो इसके मेरे पास मैं अब आपको कष्ट देना चाहूंगी, 5 मिनट जो कुछ आप हमारे लिए कुछ दो शब्द कहना चाहिए। नमस्कार। पहली बात, मैं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं जूते पहन के आया हूँ, जूते उतारे हैं वहाँ पे, क्योंकि गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति थी तो मेरा मन नहीं माना कि मैं जूते पहन के स्टेज पे आऊँ, तो इसलिए मैंने जूते पहन लिए। अयोध्या का मैं खास तौर पर और पीता जी का, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि मेरी छोटी बहन है, पिछले तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए, 15 साल ज़्यादा हो गए से मैं पिताजी को जानता हूँ। एक बहुत होनहार राइटर भी हैं और कलाकार भी हैं, आपने इनको रेडियो पे कई दफ़ा सुना होगा, और इनकी एक किताब जो इन्होंने हिंदी से इंडोनेशियन भाषा में ट्रांसलेट की, जिसकी काफ़ी लोगों ने तारीफ की, मैं उस भाषा को जानता नहीं हूँ, बट इनकी बहुत मेहनत लगी उसमें, तो काफ़ी अच्छी, जैसे कि हमारे पास कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत सारा इंडियन टैलेंट है, उनमें से एक टैलेंटेड व्यक्ति पिताजी हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम पे जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसा बताया गया कि 5 लैंग्वेजेस में
ऑलरेडी जो प्लेज हैं इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कलाकार हर किसी में छुपा हुआ है, पर उसको निकालने के लिए एक प्रभाव और जैसे कहते हैं टैलेंटेड डायरेक्टर की जरूरत होती है, और ये प्लेटफॉर्म जो है कलाकारों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप में भी कलाकार छुपा हुआ है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स के साथ तालमेल बनाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थिएटर एक चीज़ ऐसी है जहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे बॉलीवुड में, चाहे वो बंगाली सिनेमा हो, किसी भी सिनेमा में लें, थिएटर से शुरू होकर वो सिविल राइट की जो आसमान की छू कर आए हैं, उनमें से कई कलाकारों के नाम हैं, जैसे पृथ्वीराज कपूर से शुरू करें तो ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ये सब जो हैं थिएटर से ही रिलेटेड कलाकार थे जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। और आज हम जो दो प्ले देखने वाले हैं, एक हिंदी में और एक मराठी में, और सबसे बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी लैंग्वेज, मैंने देखा कहीं बच्चे भी आए हुए हैं, उन माँ बाप को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप इस प्लेटफॉर्म को दिखाने के लिए लिखे हैं, उनको अपनी भाषा से जोड़ने के लिए आप यहाँ पर लिखे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं एक बार फिर से ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो ये कोशिश की है उसको जारी रखें। मेरे को मालूम है कि काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, ख़ासतौर पे उन स्पॉन्सर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे बीच में अदनान भाई और परा बहन भी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, वो भी जो हमारी हिंदी उर्दू भाषा है उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आप जो लैंग्वेज का काम कर रहे हैं वो एक बहुत सराहनीय योग है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आज के दोनों प्ले आपके जॉय करेंगे। थैंक यू कमलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूफोरिया के बारे में मैं एक दो बातें और बता देती हूँ उससे पहले कि हिंदी प्ले की शुरुआत हम करें। यूफोरिया को इस साल 2020 में न्यूजीलैंड शू स्ट्रिंग प्रोग्राम में अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड में। इसके अलावा इस्तांबुल में हमारी एक शॉर्ट फिल्म बेलाडोना को 3 नॉमिनेशन मिले हैं और 2 अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड मिला है हमारी स्वास्तिका जी को बेस्ट एक्ट्रेस का, और दूसरा अनिर्बान दत्ता जी को डायरेक्शन के लिए, तो ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट। इसके अलावा जो हमारी दूसरी शॉर्ट फिल्म थी अमीगो 1.0, उसको कई जगह पर नॉमिनेशंस मिले हुए हैं। और अगर आप यूफोरिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक को आप देख सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारी वर्कशॉप्स भी चलती हैं अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है, कोई जुड़ना चाहे। और अब हम चलते हैं अपनी हिंदी प्ले की ओर। जिन हिंदी प्ले का शीर्षक है दिग्दर्शक, दर्शक यानी डायरेक्टर। और जैसे कि आप जानते हैं कलाकार हो, चाहे लेखक हो, डायरेक्टर हो, एक्ट कर रहा हो, लिख रहा हो, सारे थोड़े से सनकी होते हैं, पागल टाइप, वो कुछ लगा अपनी धुन में लगे रहते हैं। उनको घर परिवार वाले भी परेशान होते हैं यार क्या है ये, मगर उनकी अपनी धुन होती है, उनको जो ठीक लगता है बस वही ठीक है। तो हमारे जो आज के दिग्दर्शक हैं यानी डायरेक्टर हैं नाटक के, वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी धुन लगी हुई है, और वो अपने शिष्य को पता नहीं कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं, और क्या क्या होता है ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, ये आप खुद ही देखें। इसके बारे में मैं बता देती हूँ, इसके स्क्रिप्ट लिखी है प्रियम जानी ने, और दिग्दर्शक के दिग्दर्शक हैं देवदत्त पराजपे, कलाकार हैं विजेश नांगिया और सौरभ सिंह ठाकुर, इसका लाइट अरेंजमेंट है अमेर पत्की का और संगीत है गौरव सावंत का। तो आइए देखते हैं दिग्दर्शक हिंदी नाटक।
ये मेरा धनुष, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, लेकिन लेकिन आज आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, तो तोड़ दिया अपना ये धनुष। कुचले हुए सांप सा भयानक, किंतु किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष। अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? वन में भयानक, इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठर की घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। आप ठीक तो है ना? तुम अचानक यहाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप बैठे ना कुछ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। इस मन जैसा पुराना, धूल से जमा हुआ और एकदम सूना। तुम तब से नीचे बैठे थे? जी हाँ, बस आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। तो क्या देखा, यही ना, कितना कमजोर हो गया हूं मैं। नहीं नहीं गुरुजी, बल्कि ये देखा कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। आप हर शाम यही बिताते हैं? अरे मेरा बस चले तो मैं सारा दिन ही यहां बिता दूं, लेकिन काम ही कुछ इतने करने पड़ते हैं। सुबह मंदार को, अब मंदार मेरा पोता, सुबह मंदार को स्कूल छोड़ने जाओ, घर आकर विजय के लिए खाना बनाओ, और सारी दोपहर निकल जाती है मंदार को होमवर्क कराने। शाम को दोबारा मंदार को ट्यूशन लेके जाता हूँ, और ट्यूशन से सीधा यही चला आता हूँ। उसका ट्यूशन 8:30 बजे खत्म होता है, तब तक मैं यही रहता, 6:30 से 8:30। यानी सांस तो मैं 24 घंटे लेता हूं, लेकिन जीता सिर्फ 2 घंटे। आज अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा, मगर मेरा सवाल अब भी वही है कि आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी डेप्थ कहां से लाते हैं? और मेरा जवाब आज भी वही है, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूं उसे कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, ये अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही देख लो। मैंने मंच पर अनगिनत किरदार निभाए, लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता। उसकी पीड़ा, उसका आक्रोश, उसकी बेचैनी और उसकी लाचारी, और तो और उसे भी तो धोखा देकर ही परास्त किया गया था ना। आप अभी नाराज नहीं मुझसे? रुकिए रुकिए कुर्सी, रुकिए मैं ले आता हूं। किसका फोन है? विजय का। दो बजे। हाँ विजय। हाँ बेटा। हाँ हाँ, मैंने बिजली का बिल भर दिया। अरे वो नल भी ठीक करवा दिया है। अरे प्लम्बर तो 100 रुपए मांगा था, आधा घंटा तोल मोल किया तब जाकर 80 महीने पे राजी हुआ। हाँ अच्छा, सब्जी कौन सी बनाओ? भिंडी, भरमा भिंडी चलेगी? अरे बिल्कुल लेट नहीं होगा बेटा, मैं ठीक टाइम पे मंदार को पिक कर लूंगा। हाँ ठीक 8:30। हाँ बेटे, ओके बच्चे, ओके। ये सारे नाटक
ये कहना बेहतर होगा कि इन नाटकों ने मुझे संभाल कर रखा, वरना ना जाने मेरा क्या हो जाता। अगला घोड़ा, हाय मदन। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, और ये आधे अधूरे। कुछ याद आए गुरु जी? कैसे भूल सकता हूँ मैं, कैसे भूल सकता हूँ मैं वो हमारी हमारी पहली मुलाकात और तुम्हें ट्रेन करने के सेशन से। शिरोमणि का सन्ना, अरे शिरोमणि नहीं, शिरोमणि। शुरुआत
नहीं शुरुआत। अरे आप तो सब बोल रहे, साला निकल ही नहीं रहा है मान जुबान से। अरे 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 तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, बड़ा मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं। इट्स नॉट आशा, इट्स नॉट आशा, इट्स आशा, आशा, श, श, दोबारा वही गलती कर रहे हो तुम। आशा शा, मैं जानता हूं तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें तो सब आता है। सा सही तो बोल रहे हैं। सा और छ का फर्क नहीं पता, चलो मराठी हीरो बनने आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप लाउडर लाउडर आवाज क्यों धीमी होगी तुम्हारी। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। नहीं हूं, नहीं हूं, हूं ध्यान से देखो, फिर दिया वहां पे हूं, नेचर हूं। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या हुआ, पसीने क्या छूटने लगे तुम्हारे, तुम्हें तो सब आता है ना, ठीक है बोलो। मैं नहीं जानता कि आप क्या बेस बेस मंदिर सब तक तुम क्या होता है। अरे तुम्हें तो सब आता है ना, ठीक है बोलो। मैं नहीं जानता क्या हो गया, पसीने छूटने जा रहे हैं और तुमसे पढ़ा भी आ देखो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, मैं तो तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहता था कि जब तक अपनी आंखों से घमंड का चश्मा नहीं उतारोगे तब तक चारों ओर तुम्हें भ्रम ही दिखाई देगा। तुम्हारी चाल बिल्कुल तुम्हारे कैरेक्टर के अनुरूप होनी चाहिए, किरदार अलग तो चाल अलग, समझे? और हाँ, जिस दिशा में जाना हो पहले उस दिशा का पैर आगे बढ़ाओ, अगर बाईं ओर जाना है तो पहले बायां पैर आगे ऐसे, हाँ, और अगर दाईं ओर जाना है तो दायां पैर आगे ऐसे, ठीक है? अब मेरे पीछे एकदम सिंपल चल के बताओ। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, थिएटर में आई कांटेक्ट भी काफी मायने रखता है, कभी भी बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर मत देखा करो, आंखों में आंखें डालना सीखो। और अगर तुम्हारा डायलॉग ऑडियंस में देना है तो तुम्हारा आई कांटेक्ट बिल्कुल तुम्हारे कद के बराबर होना चाहिए, समझे? जी गुरु जी। बहुत खूब।
और हम इसका प्रयास करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, ठीक है। ओ
और बदतर ही नसीब होंगे। मगर गुरुजी एक सवाल मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था। मेरा रवैया, मेरा हुलिया और मेरी जुबान सब एक जानवर से भी बदतर थी, फिर भी आपने मुझे अपने गुट में शामिल किया। तुम्हारी एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारी ईमानदारी। वो रिहर्सल का पहला दिन था और तुम्हें मालूम था कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं, फिर भी तुमने देरी से आने का कोई बहाना नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस डर से कि मुझ पर इंप्रेशन अच्छा रहे जरूर बहाना बना देता, लेकिन तुमने सब कुछ सच सच कह दिया। ईमानदारी और साहस, यदि कलाकार एक इमारत है तो ईमानदारी और साहस उस इमारत के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना वो इमारत तिनकों की तरह बिखर जाती है। आप मेरी फिल्में देखते हैं? आप अभी नाराज हैं मुझसे? आखिर कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे, कब तक? धर तेरे की, रोज रोज छाता लेकर निकलता था तो एक बूंद बारिश नहीं रहती थी, और आज छाता लाना भूल गया तो इतनी मूसलाधार बारिश। मौसम और इंसान दोनों अगर बोलकर बदलते तो कितना सरल हो जाता जी। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया था गलत किया था। तुम्हें पता है, तुम जब भी झूठ बोलते थे तो अपनी नाक को यूं से हिलाते थे। मैं सच कह रहा हूं गुरुजी, I don't regret my decision at all. Okay, good. आखिर कब तक नाराज रहेंगे और आप मुझसे, कब तक? अरे यार, मैं बिल्कुल तुमसे नाराज नहीं हूं भाई। और आप जब भी झूठ बोलते थे तब अपने कान बजाते थे यूं यूं। मतलब हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, अंधेरे में ढकेल रहे दूसरे को, लेकिन आज मैं सच जान कर ही रहूंगा, और जब तक मैं सच नहीं जान लेता न मैं कहीं जाऊंगा और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा, इट्स माय बर्थडे टुडे। विजय तुम समझते क्यों नहीं, अगले महीने शो है और जो लड़का कालिदास का रोल कर रहा है वो बिल्कुल नया है, अभी उस पर बहुत पॉलिशिंग करनी है। जिस उत्साह से अपने नाटकों को पॉलिश करते हैं, काश उसी उत्साह से अपने रिश्तों को पॉलिश कर पाते पापा। बेटा तुम आखिर चाहते क्या? सिर्फ एक दिन आपकी जिंदगी का, सिर्फ एक दिन के लिए आप अपने डायरेक्टर का लिबास उतार कर पिता का लिबास नहीं पहन सकते। विजय, तुम्हारी माँ ने भी एक बार ऐसी जिद की, वो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। हम दोनों होटल गए, अपने दोस्तों को बुलाया और खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन किया। उसी सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला गुरुजी के बेटे और बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, उसके बावजूद गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद है। विजय, उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी लेकिन वो फिर भी रिहर्सल पर मौजूद थे, और मैं सिर्फ अपनी शादी की सालगिरह की वजह से रिहर्सल पर नहीं गया। उस दिन मैंने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ने दूंगा थिएटर पर। आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता थिएटर पर, मगर थिएटर का साया वो आपकी निजी जिंदगी पर पड़ता है, उसका क्या? बेटा तुम समझते क्यों नहीं, वो सारे बच्चे नए हैं, अगर आज मैं लापरवाह हो गया तो क्या उन पर गलत छाप नहीं पड़ेगी, क्या उन्हें गलत सबक नहीं मिलेगा? और यही सबक वो अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे, और वो आने वाली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को। और अगर ऐसा हुआ तो थिएटर का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा, समझो? आपको थिएटर के भविष्य की पड़ी है मगर बेटे के वर्तमान का कुछ नहीं पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी, सो जाना। अंग्रेजी में एक और कहावत है पापा, बेटर लेट देन नेवर। लौट आइए पापा, लौट आइए।
लौट आइए जनाब, लौट आइए। खटखटाना बेकार है, मुझे पता था, मुझे पता था कि आप मेरा सवाल जरूर टालेंगे, इसलिए मैंने मेरे बॉडीगार्ड से पहले कह दिया था कि जैसे ही नट सम्राट महाशय मंच पर प्रवेश करे ऑडिटोरियम को बाहर से ताला लगा दिया जाए और तब तक ना खोला जाए जब तक मैं खिड़की से इशारा ना कर दूं। और अब जाहिर है इशारा तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना। दरवाजा खोलो, तुम इस तरह मुझे कैद नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो, ये कैसा पागलपन है तुम्हारा। दरवाजा खोलो। दो मिनट में सर फट लगा आपका। 10 साल से कैद हूं मैं, संजीव बन का चक्कर रखा है सवाल ने मुझे, कैसा कौन सा गुनाह किया था जो आप अपने नाराज है मुझसे। वैसे इस वक्त हम दोनों कैद में हैं। आपकी कैद जिस्मानी है मगर मेरी कैद तो दिमागी है, और ये दिमागी कैद बहुत खतरनाक होती है क्योंकि जिस्मानी कैद में आपको एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, मगर दिमागी कैद में तो पूरी दुनिया ही आपके लिए काल कोठरी बन जाती है, कहीं से कोई नहीं मिलता। अरे छुटकारा चाहता हूं मैं ऐसी जिंदगी से, आप मुझे रिहा कर दीजिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा। अच्छा तुम्हें रिहाई चाहिए। रिहाई चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है मंदार का ट्यूशन कहां पर है? बहराम बाग के बगल में एक बहुत ही पुरानी और छिपी हुई इमारत है, 4 माले की, धीरज अपार्टमेंट्स। उसके 4th माले पर मंदार का ट्यूशन है। शुरू शुरू में मैं मंदार की उंगली थाम कर 4 माले चढ़ जाता था। 4th माला आते आते मेरे घुटने जवाब दे देते, मैं अपनी मुस्कान ज्यों की त्यों रखता ताकि मंदार को गिल्टी फील ना। लेकिन मंदार सब कुछ भांप लेता था, क्योंकि जो रुदन सुनाई और दिखाई नहीं देता वो सामने वाले को और गहराई से स्पर्श कर जाता है। मंदार को भी करते। कुछ दिनों बाद उसने मुझे 4 माले चढ़ने से साफ मना कर दिया। अब वो अकेला 4 माले चढ़कर जाता है। वो ट्यूशन टीचर के घर की बैल्कनी से मुझे गुड बाय करता है। A kind of confirmation that I have reached safely। और जब तक वो 4 माले चढ़कर उस बैल्कनी तक नहीं पहुंचता तो मैं पता मैं क्या करता हूं, तब तक ही बांधकर सीढ़ी को देखता है और सोचता हूं कि जो लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सीढ़ी क्या है, एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंदकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर उस सीढ़ी को देखते तक नहीं, नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। और ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर तुम्हारी आती है, क्योंकि तुमने भी थिएटर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, राजी खुशी नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि कोई और जरिया नहीं था तुम्हारे पास मंदिर तक पहुंचने के लिए। हाँ, थिएटर तुम्हारे लिए सीढ़ी थी जिस पर पैर कोई उसकी पवित्रता या भावनाओं के बारे में नहीं सोचता, जहन में होती है तो सिर्फ मंजिल, और एक बार वो मंजिल मिल जाए फिर हमेशा के लिए उस सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता। सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता। थिएटर कोई बगीचा नहीं है जिसमें जब दिल किया तब आए, जब दिल उग गया तब चले गए। थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की गई है। संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता और बलिदान,
ये सब सिद्धांत पहले दिन समझाए थे ना तुम्हारे। मगर मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इसीलिए आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ये भाषा तुम्हारी नहीं है, जरूर तुम्हें किसी ने उकसाया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि मुझ में कोई चाबी भरे और मैं नाचूं। तो फिर अरे तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पाएगा अगर आपके नाते से एक मजदूर कम हो जाएगा तो। मजदूर? हाँ, हम सब मजदूर ही तो है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाते हैं। अरे इतना शोषण तो कोई किसी मजदूर का नहीं करता। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, ये ख्याल आप तुम्हारे खोल नहीं सकते। जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है। ये सारे ख्याल आपको फालतू तो लगेंगे क्योंकि आपके कानों को तो सिर्फ चापलूसी की आदत है ना। अरे गुरु जी आप महान है, आप जितना ज्ञानी तो कोई नहीं। महान माई फुट। देखो ये उलू जुलू बातें मत करो तुम। ये बातें तो आपको उलू जुलू लगेंगी क्योंकि आपके कानों को तो सिर्फ चापलूसी की आदत है ना। अरे अरे क्या सच में शाबाश। अब हुए ना तुम बॉलीवुड के सच्चे सुपरस्टार।
इतने सालों बाद बॉलीवुड को लेकर आपकी राय नहीं बदली? अब तो मेरी राय और मजबूत हो चुकी है। देखिए गुरु जी, देखिए आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि चाहे थोड़ी सही लेकिन बॉलीवुड ने तरक्की तो जरूर की है। थोड़ी? अरे थोड़ी क्यों, बहुत तरक्की की है। पहले तो सिर्फ स्टोरी बार से उठाते थे, अब तो स्टोरी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, एक्टर, अरे और तो और पोस्टर भी बार से उठाते हैं। अगर ऐसी फिल्में बनाते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब ऑडियंस भी बार से उठानी पड़ेगी। हिंदुस्तानी ऑडियंस को अगर मीडियोक्रिटी की आदत पड़ गई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बॉलीवुड है। नहीं गुरु जी, नहीं बिल्कुल देखिए गुरु जी, ताली जो है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितना कसूर फिल्म इंडस्ट्री का है उतना ही या शायद उससे ज्यादा कसूर ऑडियंस का है। हम ऐसी मसाला फिल्में बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस उन्हें देखने आती है। अरे अगर ऑडियंस ही ऐसी मसाला फिल्मों को बॉयकॉट करे तो झट मार के हमको अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी भी देश में कला का स्तर कलाकार पर निर्भर नहीं करता, ऑडियंस पर निर्भर करता है। We want to see movies which tickle our funny bone, but what about movies which tickle our intellect? उसका जिम्मेदार भी तुम्हारा बॉलीवुड ही है। अरे 100 साल तक अगर मैं तुम्हें कचरा खिलाता रहूं और एक दिन अचानक तुम्हें साफ सुथरी चीज दे दूं तो ऑब्वियसली तुम वो साफ सुथरी चीज छोड़कर कचरा ही चबाओगे। इंडस्ट्री कहती रहेगी कि ऑडियंस को यही चाहिए तो हम क्या करें, और ऑडियंस भी कहती रहेगी कि इंडस्ट्री हमें यही दे रही है तो हम क्या करें। दोनों बस यू ही एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहेंगे और तुम्हारे जैसे कलाकार शिकायत की बजाय अफसोस जाहिर करते रहेंगे। शिकायत से याद आया कि आपको मुझसे क्या शिकायत है, आप बताएंगे भी या नहीं? ये हम किस डिस्कशन में उलझ गए? सचमुच टॉपिक चेंज करना तो कोई आपसे सीखे। पहले तुम बताओ तुम्हें किसने उकसाया था, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। बहस करके वक्त बर्बाद करने की एक और कोशिश, लेकिन मैं बहस नहीं करूंगा। आप जानना चाहते हैं ना उस दिन मुझे किसने उकसाया था आपसे नाता तोड़ने के लिए? तो सुनिए, उस दिन जब मैं विजय से मिला, ये तुम क्या कह रहे हो विजय? मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें धोखा दे दूं? धोखा? अरे कैसा धोखा, तुम उन्हें एक कलाकार की नजरों से नहीं एक इंसान की नजर से परख के देखो। वो एक महान दिग्दर्शक है, महान दिग्दर्शक, लेकिन इंसान। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे वो तुम्हारे साथ बड़ा घटिया सलूक करते हैं। घटिया सलूक करते हो? मैं इतना दुखी नहीं हूं, लेकिन वो मेरे साथ सलूक करते ही नहीं। कोई आपके अस्तित्व का अपमान करे तो आप सह सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपके अस्तित्व को कोई नजरअंदाज कर दे तो ये सहना नामुमकिन है। और वो मुझे हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं, किसके लिए? किसके लिए? थिएटर के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं क्या कर सकता? उन्हें सबसे ज्यादा लगाव तुम्हारे साथ है, और अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद थिएटर को छोड़ देंगे। देखो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे मेरे पापा लौटा दो, प्लीज मेरे पापा लौटा दो, प्लीज मेरी मदद करो। आपके आपको सवाल का जवाब मिल चुका है, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे विजय ने उसने तुमसे कहा तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए, तो सरा उस दिन जब मैं आया तो विजय बहुत एक्साइटेड था। महाराष्ट्र की बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है वो। अरे कॉलेज पुणे में तो क्या हुआ पापा, मैं हरवी के नाम
बस बेटा वो पैसे मैंने किसी को दे दिए। क्या 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 कहा आपने? बेटा वो पैसे मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिए। पापा पापा मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा वहां पर भी किसी की जिंदगी का सवाल था। किसे किसे दिया आपने पैसे पापा? किसे दिया आपने पैसे पापा? पापा प्लीज बताइए ना पापा, किसे दिया आपने पैसे पापा? प्लीज पापा प्लीज बताइए किसे दिए पैसे पापा? प्लीज प्लीज पापा। गाँव में तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार थे, उनके इलाज के लिए फौरन पैसे भेजने थे। वहां विजय की एडमिशन की डेट निकली जा रही थी, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे वो पैसे तुम्हें दे दिए। उसके बावजूद तुमने मुझसे नाता तोड़ा, इसलिए नाराज था मैं तुमसे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने बेटे ने तुम्हें उकसाया था मुझसे नाता तोड़ने के लिए। आपने मेरे लिए अपने बेटे का सपना कुर्बान कर दिया, मेरे लिए। मुझसे नाता तोड़ने के बाद तुमने सीरियल्स में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते तुम बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए। तुम्हारी कामयाबी से मेरे बाकी बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिली, पर वो भी एक एक करके मुझे छोड़कर जाने लगे। I'm sorry, गुरुजी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। एक बात, मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? वो पैसे मैं तुम्हें दे देता, तुम वो पैसे गांव भेजते और तुम्हारे सर से परेशानी दूर हो जाती। तुम सारा फोकस थिएटर को दे पाते और थिएटर को एक सेवक गंवाना नहीं पड़ता। यानी जब मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे दिमाग में तुम्हारा नहीं थिएटर का ख्याल था। थिएटर का ख्याल कितना बड़ा स्वार्थी था मैं। आज अगर मैं तुम और विजय इस मोड़ पर खड़े तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ है। अगर विजय को थोड़ा वक्त दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर उसके सपनों की बलि नहीं चढ़ाता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों हम कलाकार इतने स्वार्थी होते? जो कलाकार अपने परिवार को भुलाकर कला के पीछे दौड़ते हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं? क्या अपनों को खुश रखना भी तो एक कला है? आज मैं घर जाकर सबसे पहले विजय से माफी मांगूंगा। अब जाकर के हुए आप एक अच्छे दिग्दर्शक। तुमने पूछा था ना मैंने तुम्हारी फिल्में देखी हैं या नहीं? जी तुम्हारी सब फिल्में देखी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। I'm really proud of you, my boy. I'm really proud of you. और हाँ, आज मुझे पूरा यकीन हो गया तुम बॉलीवुड के सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार हो। पूछो क्यों? क्यों? अरे तुमने जो इस जगह को जेल बनाने की हरकत की है ना, उसके बाद में कोई शक नहीं रह जाता कि तुम वाकई में बॉलीवुड सुपरस्टार हो, क्योंकि तुम्हारे बॉलीवुड के सुपरस्टार और जेल का तो अटूट नाता है। चलो अब दरवाजा खुलवाओ। वैसे मंदार का ट्यूशन खत्म होने में अभी
भी थोड़ा सा वक्त है, तब तक क्या करें, क्या करें गुरुजी? हाँ, नाटक। नाटक? ये बॉलीवुड सुपरस्टार हमारे साथ नाटक करेगा? चलो ठीक है, आज आज हम ये नाटक करते हैं। ये लो, ये नाटक की स्क्रिप्ट, जिसे तुम पढ़ोगे नीचे बैठकर। आज भी? हाँ, और याद रहे, आवाज ऊंची रखना। ये थिएटर कहीं तुम्हारा सिनेमा नहीं। और हाँ, एक बात और, इसमें तुम्हारा किरदार है गांव से आया हुआ एक घमंडी लड़का, जो ठीक से बोल तो पाता नहीं, लेकिन ख्वाब देखता है स्टार बनने के। पढ़ो। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। कर दी ना गड़बड़ तुमने, कर दी ना गड़बड़। क्या कहा था मैंने तुमसे, क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम्हारा किरदार है गांव से आया हुआ एक लड़का जो ठीक से बोल नहीं पाता। वो ठीक से बोल नहीं पाता, का फर्क कैसे पता चल गया? शुरुआत नहीं, शुरुआत। अरे आप अभी से जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बहुत अच्छा बाकी है। खैर फिर बाती, आपने देखा कितना मुश्किल है थिएटर, किस तरह उसने दिग्दर्शक ने अपने शिष्य को ग्रूम किया, कितनी बारीक बारीक बातें उसको सिखाई। आजकल हम लोग दरअसल फिल्मों के और टेलीविजन के अभ्यस्त हो गए हैं, हमको लगता है जो काम हम सिर्फ देख रहे होते हैं, हमको लगता है कितना आसान है, इसमें है ही क्या, जरा सा मुंह बनाना है, जरा से हाथ फैलाना है, जरा से डायलॉग बोले हैं। लेकिन ये जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना कठिन काम है। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर आपने देखा हो हमारे जो दिग्दर्शक का कैरेक्टर कर रहे थे, वो जब उम्रदराज वाले कैरेक्टर में थे तो उनकी उंगलियां कांप रही थी। आप करके देखिए, आप थोड़ी देर के बाद लगेगा अरे बंद कर दो, इतनी देर तक वो उंगलियों को हिला पाना तक मुश्किल काम होता है। तो थिएटर हमेशा से बहुत कठिन विधा है। फिल्म और टेलीविजन में आपके पास बहुत सुविधाएं हैं, थिएटर में वो सुविधाएं नहीं हैं। थिएटर आर्टिस्ट जो करता है उसको उन कलाकारों के बनस्पत ज़्यादा फिट होना पड़ता है, ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, ज़्यादा विटी होना पड़ता है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ज़्यादा होनी पड़ती है, ताकि अगर वो कोई चीज़ भूल जाए, कोई डायलॉग इधर उधर हो जाए, तो वो उसको संभाल सके। जोर से बोलने वाली जो बात कही जा रही थी, क्योंकि अब हमारे पास माइक की सुविधा है, पहले नहीं हुआ करती थी, और 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, तो आखिरी बंदे तक, आखिरी आदमी तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए थिएटर आर्टिस्ट को अपने गले को भी उतना मजबूत रखना पड़ता था कि उसकी आवाज़ वहां तक बुलंद आवाज़ में वो बोल सके और आखिरी लाइन तक उसकी आवाज़ जा सके। खैर, मैं चाहूँगी कि दिग्दर्शक की पूरी टीम हमारे सामने आए और आप सब उनका तालियों से स्वागत करें। कभी सामने नहीं आना चाहते, पीछे से उनका सारा काम
चलता रहता है। मैंने अभी उनको कहा भी कि आप स्टेज पर आएंगे, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो ये इतनी सरलता होना भी बहुत बड़ी बात है कलाकारों।